हेलो गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब तो आज है मेरा यहाँ पे मतलब कटनी में मेरा लास्ट डे है मेरे घर पे अभी मैं जा रही हूँ कहीं तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो मैं बताऊँगी नहीं आप लोगों को बट कहीं तो जा रही हूँ और हाँ इस बार मेरा अकेले ट्रेवल है तो थोड़ा डर भी लग रहा है बट uh, कोई नहीं अभी आज पैकिंग वगैरह भी करना है कृषि के लिए थोड़ा सा सामान वगैरह लाना है क्योंकि मैं नहीं रहूँगी तो कृषि का सामान सिर्फ मुझे ही पता है उसकी दवाइयाँ वगैरह तो वो तो मुझे ही ला के रखना पड़ेगा और तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ अभी बज रहा है सुबह के न छत पे आकर बैठी हूँ क्योंकि कृषि को घुमाना था छत पर और मम्मी पापा भी नहा रहे हैं अभी तो सुबह सुबह थोड़ा सा लग रहा है और कृष्णा आज आज भी काम पे गए हैं बिकॉज वो कह रहा है कि नहीं मैं काम पे जाऊँगा तो मैंने नहीं बोला मैंने बोला ठीक है तो मैं जाना हो तो जाओ और तो आज का ब्लॉग कुछ खास होगा और थोड़ा बहुत इमोशनल भी होगा कि मैं पहली बार कृष्णा से दूर जा रही हूँ अकेले वो भी तो कोई नहीं मैं मतलब कहाँ जा रही हूँ ये तो मैं अभी नहीं बताऊँगी बहुत जल्द बताऊँगी जब मैं पहुँच जाऊँगी उसके बाद ठीक है तो अभी आप लोग तो वीडियो पर ऐसे ही बने रहना एंड वीडियो को एंड तक देखना ठीक है अभी मैं आ गई हूँ छत से नीचे और अभी देख सकती हूँ पूरा घर बिखरा पड़ा है यहाँ पे कृषि को देखो कैसे मैडन बन के बैठी है क्योंकि खाना खाने के बाद इंसान को जानते हो ना रेस्ट करने की ज़रूरत होती है जब फुल पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है तो इसका यही हाल है कि इसका पेट वगैरह सब भर गया देखो देखो दिखो क्या हुआ ऐसे मैं ढक्की धक्का चिप करके बैठी है तो आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो ना ये तो आप सभी के लिए सरप्राइज है कि मैं कहाँ जा रही हूँ बट अभी मैं नहीं बता सकती इसलिए सॉरी तो अभी मुझे ना अभी घर का काम करना है ठीक है और घर का काम करने के बाद मुझे जाना है मार्केट किस लिए जाना है क्योंकि आप लोग को पता है कुछ टाइम पहले अपनी दीदी के साथ मैंने यहाँ पे ईयर वो करवाया था ठीक है ना तो ना मैंने ये पहना ना तो ये थोड़ा अजीब है दर्द होता है बहुत ज़्यादा तो इसके लिए मुझे ईयर लेके आनी है ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए तो नॉर्मली है मेरे पास बहुत सारे तो लाना है और कृषि के लिए हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे कृषि के लिए मार्केट जाना है क्योंकि कृषि के लिए लेके आना है उसका बेल्ट उसका जो है ना यहाँ का तो बेल्ट लेके आना है क्योंकि उसका ना अब छोटा हो गया हो गई वो पाँच महीने की हो गई है तो हमने ना फोर फाइव मंथ के लिए वो बेल्ट लेके आया था क्योंकि हमें पता था कि उसके लिए हमें क्योंकि रॉड है रॉड के और मतलब जहाज मैंने सभी रॉड को देखा है तो उनके ना एक स्टील की चैन होती है या होती है मैंने देखा है तो मैं वही सोच रही हूँ अगर वो मिल गई तो मैं वो ले कर आऊँगी या तो फिर मैं दूसरी कोई ले कर आऊँगी लेकिन आज ही लाना है मुझे क्योंकि कल मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं ना तो <laughs> कृष्णा काम पे गए हैं बिकॉज़ पता नहीं उनका मन था काम पे मैंने बोला मत जाओ बट कह रहे नहीं मैं जाऊँगा है कि नहीं तो अभी मुझे किचन भी साफ़ करना है और आ, <laughs> क्या बोलूँ ब्लॉग तो आएगा बहुत मतलब अब ब्लॉग आता रहेगा कृष्णा का भी ब्लॉग आएगा मेरा भी ब्लॉग आएगा तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट प्यार देते रहो और ऐसा नहीं है कि हम मतलब थोड़ा दूर हो रहे हैं तो कुछ बात है ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है बस थोड़ी सी एक होता है ना कंडीशन वैसी कुछ कंडीशन है तो उस वजह से हम थोड़ा सा दूर हो रहे हैं बट कोई नहीं वो यहाँ रहेंगे मम्मी पापा का ध्यान रखेंगे कृषि का ध्यान रखेंगे थोड़ा ऑफ बर्ड है मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैं जा रही हूं कृष्णा में मम्मी पापा के साथ रहेंगे तो ये एक बन गया है ऐसा तो बहुत दिनों से हो रहा था ऐसा ठीक है और एक बहुत बड़ी एक वो है कि मेरी टिकट तो हो गई है बट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है चांस है कि हो जाएगी कंफर्म अगर नहीं हुई तो मुझे जनरल में बैठ के जाना पड़ेगा बट कोई नहीं हो जाएगी कंफर्म मतलब चांस है इतना कि हो जाएगी ठीक है तो अभी चलो मैं करती हूँ काम एंड ना आ, मैं आप सभी को बोलूँगी प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड ढेर सारा प्यार दो और मैं क्यों जा रही हूँ कहाँ जा रही हूँ ये सवाल ना करने से ज़्यादा है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड मैं बताऊंगी बहुत जल्द बताऊंगी बट थोड़ा रुक करके बताऊंगी तो ना थोड़ा सा थो सस्पेंस रहने दो तो हर चीज को है कि नहीं और ये छोटा सा ब्लॉग है बताना कैसा लगा आप लोग को मैंने आप लोग को बताया मतलब मैं ना ऐसा होता ना कि हमारा मतलब मैं ऐसे कभी भी आप लोग को ब्लॉग नहीं देती हूँ मैं वही ब्लॉग देती हूँ जो आप लोग को देना चाहिए एंड डेली ब्लॉग क्या ही होता है घर पर कुछ नहीं होता लेकिन अब से ब्लॉग वगैरह सब आएगा ही है ना तो प्लीज ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करो प्यार करो एंड जितना हो सके उतना शेयर करो लाइक करो कमेंट करो एंड हां कृष्णा की जो है ना ब्लॉगिंग वो भी आएंगे तो आप लोग उसको भी देखना मत भूलिएगा हाँ मेरा थोड़ा लेट हो जाएगा बिकॉज नेट इशू की वजह से मेरा थोड़ा लेट जो आएगा ना थोड़ा लेट आएगा एंड इंस्टाग्राम पे रील वगैरह भी थोड़ी लेट आएंगी तो उसके लिए मैं आप लोग को दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी कि थोड़ी सी लेट आएंगी बट आएंगी जरूर है कि नहीं तो अभी चलो मैं चलती हूँ पूरा घर का देख सकती हूँ पूरा काम वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि पूरा घर भेगड़ा पड़ा है कृषि को भी नहलाना है और कपड़े वगैरह भी धोने हैं क्योंकि कृष्णा कपड़े फिर कृष्णा ही धोएंगे और वही है तो वैसे कृष्णा के कपड़े इतने ज्यादा गंदे नहीं होते हैं वो काम पे जाते हैं तो काम काम के कपड़े पहनते हैं काम के कपड़े ऐसे हैं कि वो रोज धुलते हैं वहीं पे और वहीं पे सूख जाते हैं है कि नहीं तो <laughs> चलो अभी चलते हैं एंड ना अभी मैं जाऊंगी शॉपिंग करने तो उस सब का ब्लॉग तो आप लोग को पता है कि मेरे को थोड़ा अजीब लगता है बट मैं कोशिश अब तो करूंगी क्योंकि मेरे को करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अगर बाहर रहूंगी तो अगर मैं ब्लॉगिंग नहीं दूंगी आप लोग को तो आप लोग को कैसे पता चलेगा है कि नहीं कृष्णा तो नॉर्मली बाहर ब्लॉगिंग कर लेते हैं बट थोड़ा तो सा मेरे को ना एक सपोर्ट चाहिए हिम्मत चाहिए वो आप लोग से ही मिलेगी है कि नहीं तो ना चलो अभी फटाफट से मैं करती हूँ काम मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना शेयर करना मत भूलना प्लीज कमेंट मत करना खुशी कहाँ जा रही हो कहाँ जा रही हो जाऊंगी जा रही हूँ लेकिन अब भी नहीं बताऊंगी एक थोड़ा सरप्राइज है ठीक है ना तो बाय बाय आप सभी को